जैसा कि आप सभी जानते हो, आज डबल हेडर मुकाबला है। पहला मुकाबला गुजरात और आरसीबी का, वीडियो मैंने डाल दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो या फिर आई बटन पे इंडिया स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, वहां से जाके आप लोग इजीली से चेकआउट कर सकते हो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में चेन्नई और हैदराबाद के जो शाम का मुकाबला है, मतलब वो 7:30 बजे वाला जो मुकाबला है, उसके बारे में कि यहाँ पर आपको कौन कौन से प्लेयर को रखना है, कौन से प्लेयर को छोड़ना है और कौन कौन से प्लेयर आपके लिए बेहतर कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसका जो लाइनअप होने वाला है, क्या होने वाला है, तो आप लोग जो है इजीली इस लाइनअप को देख सकते हो, यहां पे आपको शो कर रहा होगा। चेन्नई की तरफ से कोई भी चेंज नहीं नजर आने वाला है आप लोगों को। रहाने, गायकवाड़, यहां पे डेरी मिचेल, और उसके बाद यहां पे जडेजा, फिर शिवम दुबे, एमएस धोनी, मोइन अली, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान, यहां पे आपको पथिराना, फिर साधु ठाकुर नजर आएंगे। वही देखो इधर से अगर हैदराबाद की तरफ से, तो यहां पे आपको नजर आने वाले हैं अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, एडन मकरम, नितेश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, शहबाज अहमद, उसके बाद आपको अब्दुल समद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, मयंक मार्कंडे और टी नटराजन जो है आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो ये लाइनअप होने वाला है और इसमें एक दो चेंजेज अगर कुछ होंगे तो उसके बारे में आपको क्लियर कर दूंगा। और अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कि आज के जो टॉप बैटर होने वाले वो कौन होने वाले। तो आज के टॉप बैटर ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा होने वाले हैं। टॉप बॉलर के बारे में बात करें तो नटराजन और पथिराना होने वाले हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ का पिच रिपोर्ट क्या है उसके बारे में जानते हैं कि पिच ऐसा यहाँ पे कैसा काम करती है, पिच कैसा रहता है। तो चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में मुकाबला है, जहाँ पे बैटिंग को सपोर्ट मिलता है और उसके साथ साथ पेसर्स यहाँ पे बेहतर करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। वही अगर देखा जाए यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे चीज हो सकता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ड्यू जो है, ड्यू के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले यहाँ पे जो है फील्डिंग करने को देखेगी। टोटल 80 मैच हुए हैं इस स्टेडियम पे और 80 में से 45 बैटिंग फर्स्ट और सेकंड जो बैटिंग करती है 33 जीती है। दो मैच यहाँ पे टाई हुए हैं। 164 फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है और 151 जो है सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है। ओवरऑल एवरेज स्कोर की बात करें तो 182 यहाँ पे होता है, यानी कि 200 तक रन बनते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे जब सबसे हाईएस्ट देखा जाए तो 246 पे 5 हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स के बीच, और सबसे लोएस्ट देखा जाए तो 70 पे 10 हुआ था गुजरात टाइटंस और यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेसर्स को टोटल अभी तक 530 विकेट यहाँ पे मिले हैं और स्पिनर्स को 341 विकेट मिले हैं। वही 60.85% जो है विकेट परसेंटेज रहते हैं पेसर्स के और 39.19% जो है स्पिनर्स के विकेट परसेंटेज रहते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हो। टोटल अगर ओवरऑल मैच की बात किया जाए हेड टू हेड इन दोनों टीमों के बीच में तो 20 मुकाबले हुए, जिसमें 14 जो है सीएसके जीती है, 6 हैदराबाद जीत पाई है और यहाँ पे 4 जो है चेन्नई के होम ग्राउंड पे मुकाबले हुए हैं। तो यहाँ पे चारों का चारों देखा जाए तो सीएसके जो है विन की है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि दोनों टीमों से कौन कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो सबसे हाईएस्ट रन बनाते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहला नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़ का, 349 रन किए हैं। शिवम दुबे 311 रन, अजरहाने ने यहाँ पे 161 किया है, जडेजा ने 157 किया है। वही देखा जाए तो ट्रेविस हेड ने 325 हैदराबाद की तरफ से, अभिषेक शर्मा 288, क्लासे ने 275 और शहबाज अहमद ने 169 बनाए हैं। टॉप टेकर बॉलर्स की बात करें तो रहमान ने 12, पथिराना ने 11, तुषार देशपांडे ने 6 और दीपक चहर ने 5 विकेट लिए है। वही जाए तो हैदराबाद की तरफ से नटराजन 12, पैट कमिंस 10, मार्कंडे 8 और उनादकट ने 7 विकेट लिए हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे अब टीम कैसे बनाओगे, कौन कौन से प्लेयर्स को रखोगे और कौन कौन से प्लेयर्स जो है आपके लिए बेहतर कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे विकेट कीपर, जो विकेट कीपर है इसके सिलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आपको धोनी और यहाँ पे क्लासन के बीच में सिलेक्ट करना है। आप लोग क्लासन को लेके जा सकते हो, धोनी को लेके जाने का उतना फ़ायदा नहीं है, नीचे खेलने आते हैं और कब प्रमोट करेंगे खुद को, 2-3 बॉल बचा रहता है तो आ जाते हैं, तो इनको लेके जाना कुछ खास ज़रूरी है नहीं। बाकी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कौन कौन से प्लेयर्स को रखेंगे। ट्रेविस हेड को रखिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको रखना है अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे और गायकवाड़ को। इनके अलावा अगर देखा जाए तो आप लोग जो है शहबाज अहमद को ट्राई कर सकते हो, बेहतर करते हुए आपको नज़र आएंगे। और आप लोग यहाँ पर डेरी मिचेल को भी ट्राई कर सकते हो, डेरी मिचेल भी आपके लिए बेहतर करते हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है। और रहाने को देखा जाए तो रहाने एक मैच में बेहतर करते हैं, फिर फ्लॉप जाते हैं, फिर बेहतर करते हैं, फिर फ्लॉप जाते हैं, तो ऐसा इनका टोटल ओवरऑल मुकाबला का यहाँ पे रहा है। लेकिन आप लोग चाहो तो यहाँ पे मिचेल को ट्राई कर सकते हो, मिचेल आपको बेहतर करते हुए नजर आएंगे। चलते हैं यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। तो मकरम को देखा जाए तो मकरम का जो परफॉर्मेंस है पहले जैसा कुछ खास रहा नहीं है, 2-3 मैच में चले हैं उसके बाद फ्लॉप 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 ही गए हैं। बाकी रविंद्र जडेजा का बात करते हैं तो रविंद्र जडेजा भी आप देखोगे तो एक मैच में चलते हैं, एक मैच फ्लॉप जाते हैं, एक मैच चलते हैं, एक मैच फ्लॉप जाते हैं, तो लास्ट मैच फ्लॉप गए थे तो इस मैच में चलने वाले हैं, तो जडेजा को आप लोग जरूर रखिएगा। उसके साथ साथ नितेश रेड्डी को आप लोग ट्राई कर सकते हो या फिर शहबाज अहमद को ट्राई कर सकते हो, इन दोनों में से जिसे भी चाहो आप लोग ट्राई कर सकते हो।
और शहबाज अहमद दिल्ली के सॉरी नितेश रेड्डी दिल्ली के खिलाफ 37 रन बनाए थे और दो ओवर और एक बॉल करके यहाँ पे दो विकेट भी इन्होंने निकाले थे। वही शहबाज अहमद जो है काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और शहबाज अहमद हर मैच में पॉइंट दे रहे हैं अगर देखोगे आप लोग तो नितेश रेड्डी या शहबाज अहमद में से किसी एक को भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं बॉलर्स में आप लोगों को पहले मुस्तफिजुर रहमान, नटराजन, पथिराना और पैट कमिंस को रख लेना है। टॉप फोर बॉलर को रख लोगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप लोग चाहो तो यहाँ पे मार्कंडे को भी ट्राई कर सकते हो, मयंक मार्कंडे आपको विकेट निकाल के इजीली दे सकते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से आपकी टीम जो है यहाँ पे बनती है और यहाँ पे मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो रखा है प्लेयर्स को उसमें आपको हेनरी क्लासन जो है नज़र आएंगे, हेनरी क्लासन आपको बेहतर करते हुए नज़र आएंगे। उसके साथ साथ ट्रेविस हेड जो है काफ़ी तोड़फोड़ ओपनर है, फिर ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा। और आप लोग दुआ करना है कि टॉस जो है चेन्नई जीते और बैटिंग जो है हैदराबाद का है तो और भी खतरनाक यहाँ पे आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। ऑलराउंडर में जडेजा को रखिएगा, शहबाज अहमद को रखिएगा, पैट कमिंस को रखिएगा। बॉलर में पथिराना, नटराजन और मुस्तफिजुर रहमान। अगर किसी को छोड़ना चाहो तो आप लोग छोड़ के और यहाँ पर मयंक मार्कंडे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसे छोड़ना चाहते हो। बाकी का यह टीम जो है टॉप नॉच टीम होने वाली है और यहाँ पर आपको बेहतर पॉइंट मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कैप्टन और वीसी का, कैप्टन और वीसी किसे रखा जाए, कौन यहाँ पर कैप्टन हो सकता है और कौन वीसी हो सकता है। तो भाई कैप्टन के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर एज अ कैप्टन आप लोग ट्राई कर सकते हो ट्रेविस हेड को और एज ए वीसी आप लोग ट्राई कर सकते हो यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को। ये दोनों कैप्टन वीसी अगर देखोगे तो काफ़ी बेहतर है और आप इन लोगों के साथ इजीली जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और यहाँ पे बेस्ट टीम आपको करते हुए नजर आएगी। बाकी का जो अपडेट होगा मैं 6:30 बजे लाइव आता हूँ आप सभी के लिए, तो वहाँ पर हम लोग जो है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस टीम को हम लोग करते हैं सेव और बढ़ते हैं आगे और आप लोगों को कुछ टीम इस प्रकार से नज़र आ जाती है। अब आप लोगों के लिए जो है मैं यहाँ पे एक स्मॉल लीग का टीम बता देता हूँ जिससे कि आप लोग इजीली स्मॉल लीग खेलना चाहो तो खेल सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको हेनरी क्लासन को रखना है अपने टीम में, फिर ट्रेविस हेड को रखना है, गायकवाड़ को रखना है, दुबे को रखना है, अभिषेक शर्मा को रखना है, फिर आप लोग यहाँ पर नितेश रेड्डी या फिर आप लोग जो है शहबाज अहमद के साथ जा सकते हो या फिर जडेजा और मकरम के साथ भी जा सकते हो। बेहतर यही होगा कि आप लोग जो है यहाँ पर शहबाज अहमद के साथ जाओ। बॉलर में बात करते हैं यहाँ पर आपको रखना है पथिराना को, फिर रखना है नटराजन को, फिर यहाँ पर रखना है मुस्तफिजुर रहमान को और फिर आप लोग यहाँ पे मार्कंडे को रख लीजिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो टीम आपको काफ़ी सिमिलर लगेगी, काफ़ी सेम लगेगी, लेकिन रिस्क ज़्यादा लेना नहीं है। तो कैप्टन जो है गायकवाड़ को दीजिएगा और बीसी जो है यहाँ पे दीजिएगा आप लोग ट्रेविस हेड को, ठीक है। अब टीम का प्रिव्यू करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको टीम दिख जाएगी। हेनरी क्लासन नज़र आएंगे, ट्रेविस हेड है, गायकवाड़ है, फिर शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, जडेजा, शहबाज अहमद, पथिराना, नटराजन, मुस्तफिजुर रहमान और फिर यहाँ पे आपको मयंक मार्कंडे नज़र आते हैं। तो इन सभी खिलाड़ियों को अगर देखोगे आप लोग तो ये सभी खिलाड़ी आपको बेहतर कर सकते हैं। हेनरी क्लासन काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, ट्रेविस हेड का तो आप लोग देख ही रहे हो कैसे तोड़ू फोड़ू चल रहा है, फिर आपको गायकवाड़ काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आते हैं और उसके साथ साथ आप देखोगे सेंचुरी भी जड़ चुके हैं, इनका स्ट्राइक रेट कभी कम ही नहीं होता है। शिवम दुबे का हर मैच में बेहतर करते हैं, अभिषेक शर्मा भी एकदम तोड़ू फोड़ू, युवराज सिंह का मतलब एकदम कॉपीकैट चल रहा है, फिर जडेजा जो है आज बेहतर करेंगे इतना आप लोग गारंटी के साथ लिख सकते हो, शहबाज अहमद भी बेहतर करेंगे यहाँ पे, फिर पथिराना है, नटराजन है और मुस्तफिजुर रहमान, मयंक मार्कंडे यहाँ पे 2-3 विकेट निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, इससे कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।